I want nobody but you. I want nobody but you. Okay, hello guys and welcome back again to the another video of Bindas Family Vlog. सुबह सुबह का टाइम है और बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं डाले हुए, तो हमने सोचा कि चलो अपनी दुनिया आपको दिखाएं फिर से क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो मॉर्निंग टाइम है, मुझे तो निकलना है ऑफिस और आप देख सकते हैं पीछे रुचि बैठ के कुछ कर रही है काम। पोगो कहाँ है लेकिन हमारा? गुड मॉर्निंग पोगो, क्या हो रहा पोगो? पोगो लग रहा है अभी थोड़ा सुस्ती से में है। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या कर रही हो? चाय पी रही हो? चलो बढ़िया, नींद आई बढ़िया से? चलो चलो। रुचि ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर दो यार, ऑफिस निकलना मुझे। हाँ क्या मिलने वाला है ब्रेकफास्ट में यार, कुछ सोचा है? जी अमीर हाँ पता नहीं यार, ये पता नहीं, बड़ा सा सस्पेंस रहता है। लेकिन हाँ, लेकिन ऑफिस जाने के बाद जब लंच बॉक्स खुलता हूँ ना यार, तो यमी सा निकलता है। तो चलो गाइस, आप लोग कंटिन्यू रहिए, पोगो अपनी मस्ती में है और मैं रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए। सो गाइस, मौसम एकदम साफ है, सूर्य देवता ने दस्तक दे दी है और लोग बाग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन अपने को तो निकलना है भाई, चलते हैं अपन। आप कंटिन्यू रहिए गाइस, अपन हो गया है रेडी ऑफिस जाने के लिए, लंच बॉक्स भी रेडी है अपना, देख पा रहे हैं। आदि फिलहाल सो रहा है और चलिए मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, देखते हैं रास्ते में ट्रैफिक वैफिक तो नहीं है। हो सकता है यार, मिलता तो रोज ही है, ट्रैफिक तो एक आफत हो गई है रोज के लिए। चलिए आप कंटिन्यू रहिए गाइस, पोगो भी आ गया मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो गाइस नीचे आ गए अपन, चलते हैं गाड़ी की ओर। ये भाई लोगों जो आप देख रहे हो ना गाड़ी पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुत्तों से और बाकी किसी जानवरों से बचाव के लिए ये। सब तैयारी तो हो चुकी है निकलने की, फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ यार और निकलता हूँ मैं। So yeah guys, I'm ready to go. निकलने के लिए तैयार हूँ मैं। आज लग रहा है इसने गाड़ी ठीक से साफ नहीं करी है, उसको बोलना पड़ेगा। राम राम भट्टी जी, तिलक लगा दो, राधे राधे। बुधवार का दिन है, पंडित जी बजरंग बली की सेवा कर रहे थे। जय श्री राम पंडित जी। अब मैं भागता हूं फटाफट ऑफिस के लिए, नहीं तो ट्रैफिक मिलेगा और हो जाऊंगा लेट। चलो मिलते हैं, बाय। सो गाइस, आज जो है ना यहाँ पे डेलियन सर में किसानों का प्रोटेस्ट भी है कुछ, तो लिफ्ट में कोई मुझे मिली थी जो हमारे ब्लॉक में रहती हैं, वो कहने लगी कि पूछ रही थी कि भाई आज दिल्ली में दिल्ली के रास्ते बंद है क्या। लेकिन हाँ मैंने बताया भाई कुछ एडवाइजरी तो है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन श्योर नहीं हूँ, तो बेटर है कि जिसको दिल्ली ट्रेवल करना है आज वो अपना मेट्रो से जाए। अब मेरा ऑफिस तो खैर विद इन यूपी टू यूपी है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन
अमूमन से कम ट्रैफिक मुझे आज नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए हम निकलते हैं, आप कंटिन्यू रहिएगा। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. So guys, हम तो पहुंच गए ऑफिस और करते हैं अपना काम। हाँ, रेडियो में, लेकिन मैंने वाकई में सुना दोस्तों कि दिल्ली NCR में जाम लगा हुआ है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। तो दोस्त गाइस हु आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली, प्लीज बी केयरफुल एंड ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और कंटिन्यू रही है हमारे साथ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो गाइस लगभग 8:30 के करीब बज चुके हैं और मैं फिलहाल ऑफिस से निकला हूँ। अभी ट्रैफिक एज यूजुअल है और घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए आप कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग। तो गाइस आज मॉर्निंग में आते हुए भी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला, नहीं तो इस जगह पे एकदम बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक रहता है आज, क्योंकि किसान आंदोलन है और लोग बाग घर से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक जो है हर जगह सपाट मिल रहा है एकदम। चलो गाइस कंटिन्यू रहते हैं। भाई साहब अगर रोज ऐसा ही सपाट ट्रैफिक मिले ना तो मजा आ जाए यार। फाइनली घर पहुंच तो गए हम। कौन आया? हाँ, अच्छे से पकाना भाई, 2 घंटे पूरे पकाना। 3 घंटे पकाओ। 3 घंटे। आदि भी आ गया है। और आदि क्या हो रहा है? एग्जाम की तैयारी। आदि अपना पढ़ाई में लगा हुआ है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। और ये पोगो उठ गया गोदी में। पोगो तेरे आ रहे मजे। कैसी प्यार करता है सबको। मम्मी के पास छोड़ दो इसको। चलिए गाइस। सो गाइस जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ ना तो उसी के बाद पोगो आदि सब ये सब मस्ती करने लग जाते हैं। और रुचि तो बेचारी एज यूजुअल क्या टेस्टी बनाऊँ ये सोच के ही कंफ्यूज रहती है। आज कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो ग्रेट। चलिए गाइस आप कंटिन्यू रहिएगा।
कड़ी एक बार बन जाएगी तब बताएंगे आपको कि कड़ी का स्वाद कैसा है। तो ये आदि ने मंगाए होंगे चिप्स ना। अच्छा काना के लिए मंगाए थे चिप्स। तो गाइस हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है छोटा जिसका नाम है काना। हमारे नेबर्स का ही बच्चा है। वो आता है रोज पोहो से खेलने के लिए। फिलहाल मैं चिप्स का थोड़ा सा मजा ले लेता हूँ। रुका नहीं गया, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। जीप में जब तक चटकारा नहीं आया तब तक मजा आता कहाँ है। मम्मी खाओगी? लगती है मुझे। हाँ मिर्ची लगती है, खा नहीं सकती मैं। मम्मी कह रही है कि मम्मी को मिर्ची लग रही है इसलिए खाएंगी नहीं। यहाँ तो बिना मिर्च का मजा ही नहीं आता। चलिए गाइस फोगो और मस्ती नहीं यार, अब बस खाना खाने का टाइम आ रहा है। चलो खाना खाते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस चेंज वेंज कर लिया है यार, अब बस खाना खाने की तैयारी करते हैं। मम्मी अपना एक और फेवरेट सीरियल देख रही है, पुष्पा इम्पॉसिबल। मम्मी का फेवरेट है भाई पुष्पा इम्पॉसिबल। अगर रात का सीरियल मम्मी का मिस हो जाता है ना तो अगले दिन मॉर्निंग में जरूर देखती है मेरी मम्मी। चलिए हम खाना खाते हैं, आप कंटिन्यू रहिएगा। मम्मी बापोदरा क्या कह रहा था आज पुष्पा इम्पॉसिबल में बापोदरा? पार्टी में जाने वाला था, बुलाया। पार्टी में जाने वाला था बापोदरा। चलो चलो ठीक है, चलो उसे पार्टी में जान दो, हम अपना कड़ी खाते हैं मम्मी। तो गाइस आदि खाना खाएगा बाद में, कुछ पढ़ रहा है अभी, तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम की। टाइम है पढ़ने लिखने का, उसे कंटिन्यू करने देते हैं। मम्मी खाना खा चुकी हैं, बापोदरा क्या करने वाला है देख रही हैं बैठ के। हम खाते हैं खाना और देखते हैं कैसी बनी है कड़ी। देसी दूध का खाना, अपना देश हरियाणा, लेकिन हम बैठे उत्तर प्रदेश में और बनी है लवाबदार कड़ी। एकदम लग तो रहा है कि उसने पूरे 3 घंटे पकाई है। टेस्ट करके देखता हूँ बनी कैसी है। मिर्ची एकदम झमाझम झोंक रखी है। आपको पसंद है ना मिर्ची डाल के और घी डाल के? लाइक माई टेस्ट, रियली गुड। तो चलो गाइस मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा भी खाएंगे। मंगाई है हमने क्या मिष्टी दोई, फ्रिज में रखी है। तो चलो आप कंटिन्यू करना। सो गाइस फाइनली डिनर तो हो गया हमारा। मीठा खाने का मन था नहीं, सोचा यार कलकले डालते हैं, अब थकान भी बहुत हो चुकी है दोस्तों, टाइम टू स्लीप नाउ। और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। मिलते जल्दी एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।